अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आप लोग को उर्दू की तीसरी जमात में उर्दू कवायद का पांचवा हिस्सा पढ़ाने जा रही हूँ। गिनती के एतबार से इस्म की दो किस्में होती है। आज मैं आप लोग को गिनती के एतबार से इस्म की किस्में पढ़ा रही हूँ। गिनती के एतबार से इस्म की दो किस्में होती हैं, पहला वाहिद, दूसरा जमा। पहला वाहिद, दूसरा जमा। अब वाहिद किसे कहते हैं, हम ये पढ़ेंगे। जिस इस्म से सिर्फ एक चीज़ समझी जाए उसे हम वाहिद कहते हैं। जिसे सिर्फ एक चीज़ के बारे में मालूम पड़े उसे हम वाहिद कहते हैं। वाहिद के माना भी माना ही अकेला होता है। वाहिद के माना अकेला। तो जिसे एक चीज़ के बारे में मालूम पड़े कि ये अकेला है, ये एक है, उसे हम वाहिद कहेंगे। जैसे में हम देखेंगे बिल्ली, किताब, कुर्सी, ये सब अकेला अल्फाज है, इसे हम वाहिद कहेंगे। तो बिल्ली, किताब, कुर्सी, लड़का वगैरह। अब हम देखेंगे कि जमा किसे कहते हैं। जिस इस्म से एक से ज़्यादा चीज़ें समझी जाए उसे हम जमा कहते हैं। जमा जिससे किसी भी चीज़ के बारे में एक से ज़्यादा हो मालूम पड़े कि ये एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल हो, उसे हम जमा कहेंगे। जमा के माना भी माना है जमा, यानी किसी चीज़ को जमा होना, एक से ज़्यादा होना, उसे हम जमा कहेंगे। जैसे में हम देखेंगे लड़के, बिल्लियाँ, किताबें, कुर्सियाँ वगैरह, ये सब जमा है। हम कुछ मिसाल भी देख सकते हैं। अव्वल, अव्वल वाहिद अल्फाज है, इसका जमा हो जाएगा अव्वाल। मुल्क, मुल्क की जमा ममालिक। आखिर, आखिर की जमा अवाखिर। अदब, अदब की जमा आदाब। जन्नत, जन्नत की जमा जन्नान। दर्जा, दर्जा की जमा दर्जात। ये सब वाहिद से जमा हैं। अब हम कुछ मिसालें देखेंगे जमा से वाहिद का। जैसे ख्वातीन, ख्वातीन जमा है, इसका वाहिद हो जाएगा खातून। अजसाम, ये जमा है, इसका वाहिद हो जाएगा जिस्म। अवाम, अवाम का वाहिद हो जाएगा आम। अकाबिर, अकाबिर का वाहिद हो जाएगा अकबर। मसाजिद, ये जमा है, इसका वाहिद हो जाएगा मस्जिद। तो ये सब जमा से वाहिद बनाना था। सबको अच्छे से अपने नोटबुक पे नोट कर लेना और अच्छे से याद कर लेना। खुदा हाफिज़।